सचिन पायलट की हमेशा पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट कर भ्रष्टाचार और रेप के मुद्दे पर जमकर घेरा है। इसके अलावा उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र कर डाला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट, खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। दरअसल ये ट्वीट सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट का ही जवाब है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ट्वीट कर लिखते हैं कि अध्ययन, लेखन, मनन 2030 का मिशन। आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा हो। इससे पहले उन्होंने श्रद्धा मर्डर केस में अशोक गहलोत के बयान की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, श्रद्धा मर्डर केस को सामान्य बताने वाला अशोक गहलोत का बयान बेहद ही अफसोसजनक है। उनका बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम शुरू से ही सचिन पायलट के समर्थक और प्रशंसक देखे गए हैं। उन्होंने राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल को लेकर कई बार पायलट के पक्ष में अपने बयान दिए हैं और गहलोत पर जमकर सियासी निशाना भी साधा है। इससे पहले भी उन्होंने राजस्थान के सीएम पद को लेकर गहलोत जी पर बड़ा हमला किया था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि गहलोत को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम पद के लिए सचिन पायलट की वकालत भी की थी, लेकिन इस बार आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे हैं और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी तापमान बयानवीरों से कैसा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।